फ्रेंड्स, यदि आपको भी यहाँ पे जब भी आप क्लेम कर रहे हैं तो यहाँ पे एक एरर देखने को मिल रहा है जो कि बैंक अकाउंट नंबर डोज नॉट मैच विद इन द सिस्टम। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे किस वजह से एरर आता है और एक सबसे बड़े एरर के बारे में बताऊंगा जो कि शायद इससे पहले आपको नहीं पता होगा। फ्रेंड्स, यदि हम जैसे ही हम देखते हैं ये जब भी एरर आता है तो सबसे पहले हमें अपना बैंक का अकाउंट नंबर मैच करा लेना है। क्या हम यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर ठीक डाल रहे हैं? यदि बैंक अकाउंट नंबर ठीक डाल रहे हैं उसके बाद भी ये एरर आ रहा है। यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे थोड़ा सा चलिए मैं केवाईसी में चल के दिखा देता हूँ, केवाईसी सेक्शन में। तो यहाँ पे आप पकड़ ही नहीं पाएंगे कि इस अकाउंट में ऐसी प्रॉब्लम क्यों आ रही है जो कि मैं आपको बताऊंगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम केवाईसी सेक्शन में आ चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है डिजिटली अप्रूव्ड केवाईसी, इसमें बैंक का अकाउंट नंबर है, यहाँ पे अप्रूव्ड भी है केवाईसी। और आप चेक कर सकते हैं कि ये डॉक्यूमेंट नंबर से मैच करा सकते हैं। आपके पास कई सारे बैंक अकाउंट है तो आईएफएससी कोड से भी मैच करा सकते हैं कि कौन सा बैंक अकाउंट आपके यूएन से लिंक है। फिलहाल में यहाँ पे एक ही है तो यहाँ पे आप मैच करा लीजिए। देखिए यहाँ पे आईसीआईसी बैंक का यहाँ पे चेक भी है जो कि हमें अपलोड करना था, और यहाँ पे जो भी आईएफएससी कोड है वो बिल्कुल मैच कर रहा है। आप एक एक करके मिला लीजिएगा। और उसके बाद अब क्या है, आपका जो भी आईसीआईसी का अकाउंट है वो ही यहाँ पे अपडेट है, तो आपको इसी का सारा डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, या तो चेकबुक या फिर पासबुक। लेकिन फिर भी इशू आ रहा है तो अब हमको यहाँ पे मैच कराना है कि क्या हमारा जो भी बैंक अकाउंट नंबर पड़ा हुआ है वो कहीं गलत तो नहीं है या फिर हम गलत तो एंटर नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे आप मैच करा सकते हैं कि चार अंक तो यहाँ पे छिपा हुआ है। अगर ये सिमिलर अकाउंट्स नंबर हैं और भी बैंक के आपके, तो यहाँ पे मैच कराना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता दूँ, देखिए यहाँ पे जो भी आपका यूएन नंबर है वो सारा का सारा यहाँ पे मैच कर रहा है। आप देख सकते हैं केवल लास्ट के चार डिजिट जो भी हिडन है वो नहीं दिख रहा है। अब यहाँ पे काफ़ी लोग गलती कर जाते हैं केवाईसी करते समय। काफ़ी लोग पूछते भी हैं कि सर ये जो भी बैंक की केवाईसी करना है उसमें डॉक्यूमेंट नंबर में क्या एंटर करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये ही गलती इस एम्प्लॉई के साथ भी हुई है। आप जैसे ही यहाँ पे बैंक की केवाईसी करते हैं तो यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट नंबर होता है यहाँ पे आपको अपना यूएन नंबर एंटर नहीं करना है। ये डॉक्यूमेंट नंबर जो भी हैं, यदि पैन का कर रहे हैं तो पैन का नंबर एंटर करना होता है, आधार का नंबर करना होता है, और यहाँ पे बैंक का कर रहे हैं तो आपको बैंक अकाउंट नंबर लिखना होता है, और यहाँ पे एज पर डॉक्यूमेंट यहाँ पे नेम लिखना होता है और आईएफएससी कोड लिखना होता है। तो जो भी ये एम्प्लॉई हैं इनका जो भी केवाईसी हुआ है इसमें बाई मिस्टेक यहाँ पे इनका सेम यूएन नंबर ही टाइप हो गया है, जिसकी वजह से अब इनको यदि अचानक पैसे की जरूरत पड़ेगी तो ये नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए आप सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि एक बार आप 2-4 हज़ार रुपये 1-2 हज़ार रुपये निकाल लिया कीजिए, बीच बीच में जैसे पता चल सके कि ईपीएफओ में कुछ बदलाव ऐसे तो नहीं हुए हैं जो जिसकी वजह से हम यहाँ पे प्रॉब्लम में फंस सकते हैं, पैसे नहीं निकाल सकते हैं। जैसे कि अब यहाँ पे ये बदलाव तो नहीं है कुछ भी, लेकिन फिर भी इनके गलत केवाईसी होने के कारण यहाँ पे केवाईसी अप्रूव्ड है फिर भी ये पैसे नहीं निकाल पाएंगे। यहाँ पे आपको एरर देखने को मिल जाएगा जो कि आपको यहाँ पे मैंने अभी दिखाया कि इस टाइप का एरर है। तो इस टाइप का एरर केवल दो ही एरर से आता है, या तो आपके केवाईसी में, बैंक केवाईसी में आपका नंबर गलत है, या फिर आप गलत एंटर यहाँ पे कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप समझ पाए होंगे कि अगर आपके साथ भी ऐसा एरर आ रहा है तो आपको क्या करना चाहिए। देखिए, करना चाहिए आपको यहाँ पे बैंक केवाईसी दोबारा से अपडेट कर देना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पे चार डिजिट में कोई गलती होगी तो भी आप पकड़ नहीं पाओगे, ये एरर आएगा देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पे जब आपको एरर देखने को मिले तो आप यहाँ से दोबारा से बैंक की केवाईसी कर दीजिए। किसी और बैंक की केवाईसी भी कर सकते हैं, कितनी बार भी कर सकते हैं, जो लास्ट में करेंगे अप्रूव्ड कराएंगे वही आपकी बैंक की केवाईसी ओरिजिनल होगी। 3-4 हैं तो काफ़ी लोग पूछते हैं कैसे हम करें कि पता करें कि हमारा सही वाला कौन सा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे इसके सिंपल सा दो तरीके केवल हैं। यहाँ पे ऑनलाइन सर्विसेज पे आप चले जाएंगे तो यहाँ पे ऑनलाइन जब भी क्लेम करेंगे तो जो भी आईएफएससी कोड वगैरह दिखेगा, तो आपका यदि अगले बैंक का है, जिस दूसरे बैंक का, जिस भी बैंक का यहाँ पे आईएफएससी कोड देखेगा वो ही एक्टिव है। और दूसरा मेथड मैं आपको बता दूं, यहाँ पे होम पे जाना है आपको और होम पे ही आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे होम आ चुका है और होम पे आपको देखने को मिलेगा जो भी बैंक अकाउंट आपका एक्टिव होगा वो बैंक अकाउंट यहाँ पे दिख जाएगा। चूंकि इन एम्प्लॉय के साथ तो बिल्कुल ही गलत हुआ है, लेकिन अभी क्या है, इनको इमरजेंसी पैसे चाहिए लेकिन फिर भी ये विड्रॉल नहीं कर पाएंगे जब तक कि ये
न्यू केवाईसी नहीं करा सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए बैंक अकाउंट नंबर आपका जो भी एक्टिव है, ये बैंक अकाउंट नंबर है बाय द वे, और ये एक्टिव है, तो इससे भी आप पता लगा पाएंगे कि आपके अकाउंट में कौन सा बैंक अकाउंट एक्टिव है। तो फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा। फ्रेंड्स इससे रिलेटेड और भी ज्यादा वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे काफी सारे वीडियोज को लिंक देखने को मिल जाएंगे। अगर रिलेटेड वीडियो का लिंक नहीं मिलता है तो आप नीचे कमेंट कीजिए, डायरेक्ट आपके कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसी के साथ फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।